देखो प्रैक्टिस शीट फोर करेंगे, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूज़ द डेटा फ्रॉम प्रैक्टिस शीट वन. तो यहाँ पे जो हमारा डेटा है इसको यूज़ करके वी हैव टू सॉल्व दिस. फाइंड द नंबर ऑफ रेप्स हु सोल्ड यूनिट्स बिटवीन 0 to 10, 10 to 20 एंड सो ऑन. बेसिकली हम लोग क्या निकालना है, कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, फ्रीक्वेंसी फंक्शन. तो यहाँ पे क्या होगा, हमें निकालना है नंबर ऑफ रेप्स हु सोल्ड. बेसिकली बोल सकते हैं कितने बार 0 या 0 से कम यूनिट सोल्ड हुआ, वो ऑब्वियसली 0 होगा. 0 एंड 10 के बीच में कितने सेल हुए, 10 एंड 20 के बीच में कितने हुए, एंड सो ऑन. तो हम लोग सबसे फर्स्ट स्टेप टू यूज़ फ्रीक्वेंसी फंक्शन इज टू सेलेक्ट द इंटायर आउटपुट सेल. फिर यहाँ पे हम टाइप करते हैं फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी डेटा एरे क्या होगा, जहाँ से हमें वैल्यूज, जो मेरा ओरिजिनल डेटा वैल्यूज़ है, ओरिजिनल डेटा वैल्यूज शीट वन में कहाँ पे है, यूनिट्स. ठीक है, यहाँ पे सारे यूनिट्स सोल्ड है. तो ये मेरा सारा यूनिट्स कंट्रोल शिफ्ट डाउन से हम लोग ने पूरा सिलेक्ट किया, कॉमा कॉमा देना एंड फिर ही इस शीट में आना. अगर कॉमा दिए बिना इस शीट में आ जाओगे तो क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा, शीट नेम जो है इंस्टेड ऑफ यहाँ पे 1 4 हो जाएगा. ठीक है, तो ये कभी मत करना, हमेशा कॉमा देना एंड देन दूसरे शीट में आना. तो देखो दूसरे शीट में आती शीट का नेम आ जाता है. क्लियर है? नाउ बिन्स एरे विल बी यूनिट्स वाला पूरा. दिस इज द बिन्स एरे एक्स वैल्यूज. फिर कैसे रन करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंटर एंड इसका हम निकाल लेंगे टोटल, सो दैट हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि हमारा टोटल कितना रोज, 43 रोज आ रहा है या नहीं. आई थिंक 43 ही था. हाँ हाँ मैट्रिक्स फंक्शन है ना, तुमने रैक के तुम्हारा क्यूमुलेटिव आया होगा, तुम्हारा ऐसे आया क्या 0 6 10 14, क्यूमुलेटिव आया होगा. अगर यहाँ पे टाइप करके खाली ड्रैग करोगे तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगा. ठीक है, बेसिकली वो तुम्हारा लेस देन चार्ट बन जाएगा, लेस देन फ्रीक्वेंसी टेबल बन जाएगा, 0 से कम, 10 से कम, 20 से कम एंड सो ऑन. हो गया क्या, नेक्स्ट करें. नेक्स्ट इज फाइंड द रीजन इन विच एवरी थर्ड सेल वॉज मेड. तो बेसिकली यहाँ फर्स्ट शीट में एवरी थर्ड सेल वॉज मेड, मतलब कि ये मेरा फर्स्ट सेल था, सेकेंड थर्ड, थर्ड सेल कहाँ अकर हुआ, सेंट्रल रीजन में. फिर वापस 1 2 एंड 3, थर्ड इसके बाद वाला थर्ड सेल कहाँ हुआ, ईस्ट में. तो मुझे ये सेंट्रल ईस्ट ऐसे सब कुछ एक्सट्रैक्ट करना है, एवरी थर्ड रो मुझे एक्सट्रैक्ट करना है. तो हम लोग कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, ऑफसेट फंक्शन. ठीक है, तो सबसे पहले तो ऑफसेट फंक्शन यूज़ करेंगे, इतना मुझे समझ आ गया. पर मुझे क्या निकालना है, एवरी थर्ड सेल निकालना है. दो तरीका हो सकता है आप लोग के पास, हम लोग के पास 43 रोज है तो टोटल कितने आउटकम्स आएंगे, 43 डिवाइड बाई 3, बिकॉज 43 रोज है ना, तो एवरी थर्ड निकाल रहे हैं तो 43 डिवाइड बाई 3, 14.33. बेसिकली 14 हम लोग रीजन्स एक्सट्रैक्ट करेंगे, 14 रीजन्स एक्सट्रैक्ट करेंगे, बेसिकली 42 तक हम लोग एक्सट्रैक्ट जाएंगे, उसके आगे का हम लोग को मिलेगा नहीं. ठीक है, तो 14 रीजन्स हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे. अब ये कैसे होगा, ऑफसेट फंक्शन से होगा. दो तरीका है यूज़ करने का, अगर तुम लोग को याद है तो. ऑफसेट फंक्शन में, ऑफसेट फंक्शन में हमने क्या क्या यूज़ किया था, रेफरेंस सेल, स्टार्टिंग पॉइंट एंड कितना नंबर ऑफ रोज नीचे जाना है,
कितना नंबर ऑफ कॉलम्स राइट जाने हैं, कितना नंबर ऑफ कॉलम्स राइट जाने हैं वो तो जीरो करेंगे, एंड कितना नंबर ऑफ रोज नीचे जाने हैं, 3, 6, 9, ऐसे कर कर ही नीचे जाने हैं। तो ये जो होगा रोज, दिस विल चेंज, 3, 6, 9, 12 ऐसे चेंज होता रहेगा। तो वो चेंज हम लोग ऑब्वियसली हर एक में लिखेंगे नहीं, सो वॉट वील डू, वील मेक अ कॉलम यहाँ पे ऑफ 3, 6, 9 वैसे करके, या तो फिर 1, 2, 3 कर सकते हो। एंड फिर क्या करोगे, सपोज मैं बता रही हूँ, देखो मैंने सपोज 3, 6, 9 किया, ये सबसे बेसिक है, एंड कहाँ तक ड्रैग करेंगे, 42 तक, 42 तक ड्रैग करेंगे। देखो ऑफसेट रेफरेंस सेल हो जाएगा रीजन वाला, इसको क्या करते हैं फिक्स करते हैं, वाई बिकॉज, एक सेकेंड, इसको हम फिक्स करते हैं क्योंकि ये चेंज नहीं करना, ड्रैग करने से ये सेम होना चाहिए हम लोग का जो रेफरेंस है। एब्सोल्यूट किया, कॉमा, कितना नंबर ऑफ रोज नीचे जाना था हमें, तो ये 3 सेलेक्ट करेंगे, कितना नंबर ऑफ कॉलम्स राइट जाने, 0। तो अब देखो, अब जब इसको ड्रैग करेंगे हम लोग तो सेंट्रल, ईस्ट, वेस्ट, ईस्ट ये आ जाएगा। इंस्टेड ऑफ दिस, अगर यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ऐसे लिखा हुआ होता तो हम लोग क्या करते, सिंपली 1 × 3, 2 × 3, 3 × 3, तो वो क्या हो जाएगा, 3, 6, 9 अपने आप हो जाएगा। क्लियर है कैसे करेंगे? इंस्टेड अगर यहाँ पे 1, 2, 3 होता तो यहाँ पे हम लोग 3 × दिस पर्टिकुलर सेल कर देते, ठीक है? कैसे हम लोग ने एवरी थर्ड रीजन निकाला, ठीक है? नो, इसमें भी डोंट, बिकॉज दिस इज नॉट अ मैट्रिक्स फंक्शन, हाँ, ओनली इन केसेस ऑफ मैट्रिक्स फंक्शंस। क्या? हाँ, उसी शीट में किया होगा ना, तुम लोग के पास तो शीट हो गई, शीट कहाँ सेव किया वो ढूंढो। ये क्लियर हुआ ना कैसे किए? पक्का नेक्स्ट करें, लास्ट वाला शीट करें। देखो लास्ट वाला है डेटा टेबल्स, कंप्लीट द टेबल फॉर मंथली रीपेमेंट। तो अब हम लोग के पास ये क्या है, अमाउंट बोरोड जो हमने बोरो किया है, रेट पर एनम है तो मंथली रीपेमेंट निकालने याद रखना, एंड दिस इज़ द नंबर ऑफ मंथ्स। अब ये मेरा डिफरेंट रेट्स है एंड ये डिफरेंट अमाउंट बोरोड है, हर एक केस में मुझे क्या निकालना है, मंथली रीपेमेंट निकालना है। तो सबसे पहले तो हम लोग मंथली रीपेमेंट का फंक्शन डालेंगे यहाँ पे, कौन सा फंक्शन मंथली रीपेमेंट के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, PMT फंक्शन यूज़ करते हैं, EMI के लिए याद है PMT फंक्शन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग PMT फंक्शन यूज़ करेंगे। रेट क्या हो जाएगा, 10% by 12, नंबर ऑफ पीरियड्स क्या हो जाएगा, 120। देखो ये नंबर ऑफ मंथ्स है ऑलरेडी, तो इसमें इंटू 12 करने का ज़रूरत नहीं है बिकॉज ऑलरेडी दिस इज नंबर ऑफ मंथ्स, हम लोग को हर चीज़ मंथ्स में चेंज करना है। एंड देन प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, अमाउंट विच वी हैव बोरोड, ठीक है? इसको लिया हमने एंड हमारा क्या आ जाएगा, -1651.3888, दिस इज़ द मंथली रीपेमेंट। अब हम लोग को डिफरेंट रेट्स एंड डिफरेंट अमाउंट बोरोड के लिए मंथली रीपेमेंट निकालना है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है डेटा टेबल्स के लिए, पहली बार देख लूँ फिर कर लेना, कैसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, पूरा टेबल सिलेक्ट करो एंड दिस शुड बी ऑन द टॉप मोस्ट एंड लेफ्ट मोस्ट सेल, ठीक है? हम लोग का जो फॉर्मूला है, डेटा टैब, व्हाट इफ
डेटा टेबल। अब बताओ, यहाँ याद रखना, लास्ट क्लास हमने जो हमने डेटा टेबल्स किया था तो हमने क्या किया था, हमने टोटल सेल्स निकाला था, क्वांटिटी इनटू प्राइस इनटू 1 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट वाज कांस्टेंट। तो हमने क्या किया था, सबको मल्टीप्लाई किया था। तो उस केस में अगर आपका ये इंटरचेंज भी हो जाए, सपोज रो इनपुट एंड कॉलम इनपुट चेंज भी हो जाए, आंसर आपका सेम ही आएगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन हो रहा है दोनों। ये जो रोज में हम टाइप कर रहे हैं एंड जो कॉलम्स में हम टाइप कर रहे हैं, हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं, दोनों का फंक्शन सेम तरीके से यूज़ हो रहा है ना। तो इसीलिए आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा अगर आप रो इनपुट और कॉलम इनपुट अलग अलग डाल दो तो। पर यहाँ पे रेट को हम डिवाइड बाई 12 कर रहे हैं एंड अमाउंट बोरोड को हम एज अ पीवी ले रहे हैं। तो अगर रो इनपुट गलत हो गया, मे बी रो इनपुट अगर आप लोग अमाउंट बोरोड कर दोगे और कॉलम इनपुट रेट कर दोगे तो आप लोगों का पूरा आंसर चेंज हो जाएगा। इंस्टेड हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, रो इनपुट क्या होगा, ऐसे मैंने रो में रेट लिखा है तो दिस विल बी रेट रो इनपुट। एंड कॉलम इनपुट क्या हो जाएगा, हमने क्या लिखा है मंथ्स में अमाउंट बोरोड ऐसे लिखा है कॉलम वाइज, तो अमाउंट बोरोड हमारा कॉलम इनपुट सेल हो जाएगा। अब यहाँ पे इफ़ यू इंटरचेंज तो आपका आंसर अलग आएगा क्योंकि फंक्शन अलग है, दोनों अमाउंट बोरोड एंड रेट जिस तरीके से हमने यूज़ किया वो अलग है। बस यहाँ पे सिंपली ओके प्रेस करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। क्लियर है इसको? इफ़ यू वॉन्ट यू कैन चेंज इट टू करेंसी। कैसे करते हैं, होम टैब, होम टैब एंड सिंपली यहाँ पे करेंसी में इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपको वापस यहाँ पे रेड में दिखाना है तो आप लोग इसको रेड में भी दिखा सकते हो। नेगेटिव पे कर रहे हो, ठीक है। अगर उल्टा करते तो पूरा गलत आता आंसर। रो इनपुट में रेट जो ऐसे लिख रहे हो एंड कॉलम में जो ऐसे लिख रहे हो वो जाएगा। क्लियर है?